नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा और आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज आजमगढ़ में हुनर महोत्सव का शुभारंभ जिलाधिकारी ने किया। जिलाधिकारी ने उद्घाटन कर आजमगढ़ में हुनर महोत्सव का शुभारंभ किया है। देश भर से आए कलाकार हुनर महोत्सव के कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। यह कार्यक्रम कई दिनों तक लोगों को विभिन्न प्रदेशों की झलकियां दिखाएगा। तो तस्वीरें आपको आजमगढ़ के हुनर महोत्सव की आपको दिखा रहे हैं, जिसका शुभारंभ आज जिलाधिकारी ने कर दिया है। आपको बता दें कि देश भर से आए कलाकार हुनर महोत्सव के कार्यक्रम के लिए पहुंच चुके हैं। यह कार्यक्रम कई दिनों तक लोगों को विभिन्न प्रदेशों की झलकियां दिखाएगा। तो तस्वीरें आपको TV20 न्यूज पर आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां आज आजमगढ़ के जिलाधिकारी NP सिंह ने हुनर महोत्सव का शुभारंभ कर दिया है। और इस हुनर महोत्सव में देश भर से आए कलाकार पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि यह कार्यक्रम कई दिनों तक लोगों को विभिन्न प्रदेशों की झलकियां दिखाएगा। हुनर रंग महोत्सव का आज आपने उद्घाटन किया, जो है विविधता में एकता का प्रतीक, सर कैसा रहा प्रोग्राम और जिस तरह से इस समय माहौल चल रहे हैं उसको देखते हुए आजमगढ़ के इस प्रोग्राम में क्या? देखिए, जो भी माहौल कहीं भी तनाव का हो या पारस्परिक संघर्ष का हो, ये दुनिया की नियति है। उससे अगर कोई सामना कर सकता है तो संवेदना आधारित कार्यक्रम ही कर सकते हैं। इसलिए ऐसे महोत्सव, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हमेशा जीवंतता प्रदान करते हैं, एकात्मकता प्रदान करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों को श्रृंखलाबद्ध रूप से होना चाहिए। मैं हुनर संस्थान को बधाई देता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि अन्य इसी तरह के श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम लोकोत्सव के रूप में मनाए जाते रहें, जिससे लोगों के दिलों में जुड़ाव हो, मोहब्बत हो और खलूस हो।